हेलो एवरीवन, मैं हूँ निवेदिता और आज हम देखने वाले हैं एलएचबी कोचेस में लगने वाली डब्ल्यूएसओ सिस्टम। तो अब इन लेक्चर्स की सीरीज में हम देखेंगे कि डब्ल्यूएसओ सिस्टम एक्चुअली क्या है, इसे क्यों लगाया जाता है और ये काम कैसे करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यूएसओ? डब्ल्यूएसओ मतलब व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन सिस्टम। अब जैसे कि इसका नाम सजेस्ट करता है, ये सिस्टम एलएचबी कोचेस में हमारे व्हील्स को स्लाइड होने से बचाने के लिए लगाए गए। तो चलो आइए इस सिस्टम को हम देखते हैं डिटेल्स में। सो नाउ कंसेप्ट ऑफ डब्ल्यूएसओ। जब हमने मूव किया फ्रॉम आईसीएफ टू एलएचबी, काफ़ी सारे फीचर्स थे ट्रेन में जो इम्प्रूव हुए, जैसे कि ट्रेन की स्पीड बढ़ी, इफेक्टिव ब्रेकिंग डिस्टेंस कम हुआ, ब्रेकिंग फोर्स बढ़ा, लेकिन साथ ही साथ चांसेस फॉर व्हील शेयरिंग भी बढ़े। मतलब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ब्रेक एप्लीकेशन, जब ब्रेक लगने की प्रक्रिया होती है उसके दौरान काफ़ी बार चांसेस होते हैं कि हमारे व्हील्स में स्लिपिंग हो, स्किडिंग हो, स्लाइडिंग हो या फिर कोई इंडिविजुअल एक्सल लॉक हो जाए। तो इस केस में क्या हो सकता है, एक तो हमारे व्हील्स खराब होंगे एंड सिमिलरली इसके साथ ही साथ हमारा ब्रेकिंग डिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो अब हम चाह रहे थे कि हमारी ट्रेन की स्पीड बढ़े लेकिन साथ ही साथ हमारे व्हील्स भी सेफ रहे, और इन दोनों चीज़ों को अचीव करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया सिस्टम डब्ल्यूएसओ, जो व्हील और रेल के बीच के अधिजम को ऑप्टिमाइज करता है और नियंत्रित गति से ब्रेक लगाता है, जिसके कारण हमारे व्हील्स भी सेफ रहते हैं इवन तो ड्यूरिंग इमरजेंसी ब्रेकिंग। सो नाउ रिक्वायरमेंट ऑफ डब्ल्यूएसओ, जैसे कि हमने डिस्कस किया, इट्स फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज टू अवॉइड व्हील स्लिपिंग, स्किडिंग, स्लाइडिंग या फिर कोई एक एक्सल का लॉक हो जाना, इन सबको अवॉइड करने के लिए, क्योंकि इनके कारण हमारे व्हील्स खराब हो सकते हैं। एंड द सेकेंड थिंग इज डी एक्सेलरेशन ड्यूरिंग इमरजेंसी ब्रेकिंग। मतलब अब देखिए, अगर फॉर एग्जांपल कोई कोच है जो 130 की स्पीड से रनिंग में है, तो जब वो 130 की स्पीड से चल रहा है और हमें इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करने हैं, अब इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करने का पर्पस क्या होता है? एक तो हम चाहते हैं कि कोच कम डिस्टेंस ट्रैवल करके कम टाइम में रुके, लेकिन अब देखिए, अब इस केस में क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पर मेरा कोच रुक जाए जो कि फुल स्पीड से आ रहा है, मैंने यहाँ पर ब्रेक अप्लाई किया इमरजेंसी ब्रेक, तो जब ये यहाँ तक आएगा इवन तो इसके ऑक्सल लॉक हो जाएंगे, लेकिन ड्यू टू इनर्शिया वो ट्राई करेगा आगे बढ़ना। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसके एक्सल्स लॉक हो चुके हैं फिर भी यहाँ पे आके अगर कुछ रुक रहा है, तो अब इस केस में क्या होगा कि हमारे व्हील्स जो लॉक हो चुके हैं वो घिसेंगे ऐसे पटरी पर और घिसते हुए आगे जाएंगे, तो इससे हमारे व्हील्स खराब हो सकते हैं। इसीलिए जब डी एक्सेलरेशन एक लिमिट को क्रॉस करता है इमरजेंसी ब्रेकिंग में, उस कंडीशन में भी डब्ल्यूएसओ सिस्टम बहुत हमारी हेल्प करता है हमारे व्हील्स को सेफ रखने के लिए। नाउ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर रोलिंग ऑफ व्हील। तो जनरली जो आइडियल इक्वेशन होता है फॉर रोलिंग, इट इज वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब देखिए, इसमें जो वी है इट इज लीनियर वेलोसिटी। मतलब अगर कोई गाड़ी है या फिर कोई ट्रेन है जो कि चल रही है 130 किलोमीटर पर आर की स्पीड से, तो ये हुई इसकी लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी मतलब वो वेलोसिटी जिससे ट्रेन आगे बढ़ रही है। ओके, देन सेकेंड टर्म है आर। आर होता है रेडियस ऑफ व्हील, मतलब हमारा जो चक्का होगा उसका जो रेडियस होगा दैट इज आर। देन आता है ओमेगा। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। मतलब देखिए, अगर ट्रेन किसी वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है तो सिमिलरली चक्का भी किसी वेलोसिटी से रिवॉल्व, मतलब रिवॉल्व कर रहा होगा, घूम रहा होगा, तो उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो दिखाई गई है ओमेगा। तो फॉर नॉर्मल रोलिंग या फिर हम कह सकते हैं आइडियल रोलिंग, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल कंडीशन है मीन स्लिपिंग की, तो यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है सी इज लेस देन आर ओमेगा। अब इसका मीनिंग क्या है कि मेरा चक्का घूम तो रहा है लेकिन ट्रेन उस स्पीड से आगे नहीं बढ़ पा रही, तो अब इस केस में क्या होगा कि वो अपनी जगह पे घूमेगा अगेन घिसेगा, खराब होगा, तो जो कि हम नहीं चाहते हैं। तो इसलिए फिर स्लिपिंग में जो कंडीशन होती है सी इज लेस देन आर ओमेगा, वो हार्मफुल है हमारे फेस के लिए। सिमिलरली सी इज ग्रेटर देन आर ओमेगा, जिसे कहते हैं इक्वेशन फॉर व्हील स्किडिंग। इसका मीनिंग क्या है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक एग्जाम्पल पहले दिया कि कोई भी एक्सल लॉक हो जाता है तो हम उसे कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई एक्सल लॉक है एक एक्सल, लेकिन बाकी तीनों रनिंग में है, तो अब इस कंडीशन में क्या होगा कि कोच की जो वेलोसिटी होगी वो ज़्यादा होगी लेकिन वो एक्सल तो लॉक हो चुका है तो वो घूम नहीं पा रहा है, तो अब क्या करेगा, वो घिसेगा पटरी पर जिसके कारण वो खराब होगा। तो डब्ल्यूएसओ सिस्टम क्या करता है, कंडीशन टू और कंडीशन थ्री इन दोनों को रेक्टिफाई करता है और इन्हें कन्वर्ट करता है कंडीशन नंबर वन। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूएसओ। अब आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि डब्ल्यूएसओ के पार्ट्स क्या है और वो काम कैसे करते हैं। थैंक यू।